महोबा के बहुचर्चित व्यापारी इंद्रकांता त्रिपाठी हत्याकांड मामले में आखिरकार पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। एसआईटी ने जांच के दौरान घटनाक्रम से जुड़े अधिक से अधिक लोगों से पूछताछ के बाद अभी भी यह स्पष्ट नहीं किया कि इंद्रकांत ने आत्महत्या की या उनकी हत्या की गई, लेकिन एडीजी जोन प्रयागराज ने फॉरेंसिक जांच और बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पर इतना स्पष्ट कर दिया है कि मृतक इंद्रकांता की मौत उनकी अपनी लाइसेंस पिस्तौल से कार के अंदर बहुत ही करीब से चली गोली से हुई है। वहीं पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार द्वारा एसआईटी कोई पूछताछ नहीं कर पाई है, ना ही जांच टीम का फोन उठाया जा रहा है। उनके मध्य ये वार्तालाप हुआ था, जिससे बड़ा स्पष्ट है जो ये कह रहे हैं। इसका अभी क्योंकि विवेचना आगे भी की जानी, लेकिन ये प्रथम दृष्टया सबसे प्रमाणिक साक्ष्य जो हमें उन्हीं के मोबाइल से प्राप्त हुआ है। दूसरा मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आशाराम जो बल्लू के भाई हैं, वह श्री ब्रजेश शुक्ला, ये पिस्टल के बारे में एक पिस्टल पड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से जो अभी तक के परिस्थितिजन साक्ष्य आए हैं, उनसे ये स्पष्ट है कि गोली इन्हीं की रिवॉल्वर पिस्टल से चली, नज़दीक से चली, और उसमें अन्य किसी व्यक्ति के बारे में अभी तक वहाँ पर साक्ष्य नहीं मिले हैं। जो सबसे पहले वहाँ पर दो बच्चे पहुँचे थे, उनके द्वारा भी जो बताया गया है, अर्जुन और सत्यम के जो बयान लिए गए हैं, वो संभवतः यहाँ पर है भी अर्जुन सत्यम है, तो आप अर्जुन सत्यम से बात कर सकते हैं, उनके जो बयान आए। सीधी इस बात पर आत्महत्या की उन्होंने, अब ये अभी विवेचना का विषय है। इसके बाद भी उनके साथ हो सकता कोई साथी हो कुछ हो, लेकिन ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि गाड़ी के अंदर ही गोली चलाई गई, क्योंकि वहाँ रिकॉचेट होके उसका राउंड वहीं मिला है, गोली उसके अंदर मिली है, नज़दीकी दूरी से गोली चलाई गई है, जिसके बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स ने जो रिपोर्ट दी है वो भी सिद्ध हो गया कि उन्हीं की अपनी पिस्तौल से गोली चली है। तो इतने सारे साक्ष्य आने के बाद अभी अन्य कोई साक्ष्य आएगा, क्योंकि विवेचना अभी खुली है। जब तक विवेचना में अन्य लोगों के बयान दर्ज नहीं हो जाते, ऑडियो की पुष्टि नहीं हो जाती, जितने वीडियो सामने आए उनकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक ये किसी भी फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना अभी जल्द नहीं। एक ऑडियो वायरल हुआ था कि आशु भदौरिया हुआ था कि राजा साहब नाराज हो गए। आशु भदौरिया की भी गिरफ्तारी की गई, उससे पूछताछ की गई थी। आशु भदौरिया पर पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत हैं। उसने ब्रजेश को फोन किया था और उसमें मृतक इंद्रकांत के बारे में उसकी लोकेशन जानने की कोशिश की थी। उसने कहा था कि राजा साहब नाराज हैं, तो उससे जब पूछताछ की गई, उसने राजा अपने आप को होना बताया है, नशे में होकर उस व्यक्ति ने अपने आप को राजा कहलवाया। उससे बड़ा स्पष्ट पूछा गया कि क्या कुछ इस प्रकार के जिनके राजाओं के नाम आसपास के कानपुर के मध्य प्रदेश के कुछ नाम बताए जिनके बारे में जानकारी मिल रही थी, तो उनके लिए राजा कहने का उल्लेख कहा गया। लेकिन उसने स्पष्ट बताया कि वह अपने आप को राजा कह रहा था, इसमें अन्य किसी राजा के नाम की जानकारी नहीं आई है। सब उन्होंने अपनी पिस्टल से गोली मार दी है, पिस्टल की बैलिस्टिक रिपोर्ट मिली है क्या? जी, बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा है, उसने 7 पिस्टल्स की उसमें परीक्षण किया है, डिटेल्ड बैलिस्टिक रिपोर्ट है। अगर आप चाहें तो उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है। ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला की ये आगरा की रिपोर्ट है, जिसमें ये सब दिखाया गया है, और उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है, परिणाम मैं बता देता हूँ पढ़कर, बाकी काफ़ी लंबी रिपोर्ट है ये, जिसमें ज्येष्ठ वैज्ञानिक साहब सुधीर कुमार, आग्नेयस्थ विशेषज्ञ श्री एस के पांडे, आग्नेयस्थ विशेषज्ञ श्री सी एम सिंह, इनके द्वारा ये प्रमाणित किया गया है, जिसमें विवादित 7.65 mm कारतूस चिन्हित EC1, 7.65 mm पिस्टल नंबर RP 116072 11/60/72/2004 चिन्हित द्वारा चलाया गया है, और ये पिस्टल उनके नाम पर अंकित है। सर, कितने दिन तक कहाँ रही, कितनी गायब रही, कितने दिन बाद क्यों मिली सर? ये उसके परिवार जन, उनका कहना है कि उन्होंने जो अभी तक अपनी बात कही है, उनको ये आशंका थी
कि एविडेंस टेम्पर किए जा सकते हैं उनकी पिस्टल के साथ। ये हो सकता है उनके घर वालों को या आसपास के लोगों को फंसा दिया जाए, जैसे कि उन्होंने आशंका व्यक्त की थी कि एसपी उनको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, उनके परिवारजन को फंसा देंगे। जिस दिन ये घटना हुई, क्योंकि मणिलाल पाटीदार ही उस दिन एसपी थे, उनका कहना है कि साक्ष को बचाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। सर पिस्टल सर इतने दिन तक क्यों गायब किए परिजनों के बाद? अब ये उनकी, क्योंकि वहाँ अस्पताल में इलाज चल रहा था, उनकी मनोदशा इस प्रकार की नहीं थी। पूरा प्रयास किया पुलिस ने कि जल्दी से जल्दी आ जाए। पिस्टल तो गाड़ी में पिस्टल का विजुअल दिख जाएगा सर, कहाँ कैमरे डालने वो पिस्टल, वो तो सील कर दी गई है एसआईटी के द्वारा की गई, वो मेरे पास उपलब्ध। सर जिस तरह से ऑडियो सामने आ रहे हैं तो उससे क्या लगता है कि गोली के आपको मैं दिखा सकता हूँ? सीधा सीधा आरोप था कि एसपी ने हत्या की है? नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि एसपी ने हत्या की है, उसमें किया कि उन्होंने कराई है, इस प्रकार का आरोप लगाया गया। सारे उसके भी विवेचना, नहीं कोई क्लीन चीट अभी किसी को क्लीन चीट नहीं मिली है, ये विवेचना जारी है, अभी किसी को किसी प्रकार की क्लीन चीट नहीं मिली। एक प्रश्न करें सर, कप्तान साहब फिर ऐसा बने कि उनके दबाव में इतना वो डिप्रेशन में आ गए हो कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि कोई ऐसा तो यही सब विवेचना का विषय है। ये जितने भी अभी जो रिकमेंड किया है कृषि विज्ञान प्रयोगशाला ने कि सभी का इनका नार्को टेस्ट कराया जाए, अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों से उनकी विवेचना कराई जाए, तो उसमें जो भी अभी साक्ष्य आएंगे। सर पूर्व एसपी के एक बहुत करीबी रहे मनीष विश्वकर्मा महोबा जिले के ही हैं, वो लगातार बैठते रहे, उनके सारे पे कई काम हुए सर, तो उनका कोई नाम आया है क्या सर? अभी ये एसआईटी इसके बारे में जानकारी देना चाहे तो, क्योंकि अभी इसमें रिपोर्ट में मेरे पास उस तरह का नहीं है, लेकिन आप में से भी कोई भी साक्ष्य इस प्रकार का देना चाहेगा तो वो अवश्य रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी उनके द्वारा एक कोरोना से पीड़ित होने की रिपोर्ट उनके एडवोकेट द्वारा भेजी गई है, तो वो अपने आप को अभी कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं, इस प्रकार से उनसे अभी तक वो टर्न अप नहीं हुए हैं, उन्हें बुलाया गया है, उनसे कांटेक्ट करने के लिए डीजी हेडक्वार्टर से भी संपर्क किया गया, लेकिन उनके द्वारा ना फोन उठाया जा रहा है और ना ही उनका अभी तक लोकेशन मिला है। सर जांच में जो आपने कहा है कि आत्महत्या का मामला है, तो किसने सर वो पिस्टल मौके से गायब की, ये कोई जांच में आया है? ये आ गया, ये जांच में मैंने बता दिया है कि उसमें आशाराम के द्वारा वहाँ पर पिस्टल ले जाए गए, और जैसा कि अभी आपने ऑडियो में सुना होगा कि उसमें बल्लू महाराज और अर्जुन के बारे में, और दूसरा फिर आशाराम और ब्रजेश शुक्ला के बीच जो वार्तालाप हुआ है उससे स्पष्ट है कि आशाराम द्वारा ही पिस्टल ले जाकर मृतक की पत्नी को दी गई। सर चार घंटे बगैर किसी मतलब के जो लोग बैठते रहे हैं, तो सर उन लोगों के बारे में क्या लोकेशन भी ली गई है? हाँ, ये सभी जितने फोन है इसमें बहुत सारे फोन का कॉल डिटेल्स निकाले गए हैं, इसमें टावर लोकेशन में जितने भी मोबाइल से उनका परीक्षण किया गया है, एसटीएफ के द्वारा, एसआईटी के द्वारा, जिले की सर्विलांस टीम के द्वारा, इसमें जो लोग भी इसके दायरे में आएंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। सर जितने पिस्टल यहाँ पे ले जाकर घर तक पहुँचाई या कहीं भी पहुँचाई, उनकी साक्ष मिटाया, पुलिस परेशान रही, एसआईटी परेशान रही, अगर पहले मिल जाती तो भी जल्दी मामला साफ हो सकता था, तो क्या जितने साक्ष मिटाए छिपाए रहा हूँ जितना भी कार्रवाई? देखिए, किसी भी अपराध होने के लिए दो तत्व आवश्यक है, सबसे पहला उसमें जो दूसरा मेंस रिया, अगर किसी गिल्टी इंटेंशन से दोष भावना से अगर यह कृत्य किया गया होगा तो अवश्य ही वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा, लेकिन अगर जैसा कि उनका कहना कि अगर इसमें सदाशयता होगी, एविडेंस को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया होगा, तो फिर ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, यही विवेचना में। सर इंद्रकांत त्रिपाठी को आखिर आत्महत्या करने के लिए किसने प्रेरित किया? इसमें अभी तक जो साक्ष्य आए हैं उसमें अवसाद की स्थिति में थे, वो कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की बनी कि जिससे वो परेशान थे, कौन कौन ऐसे तत्व थे जिन्होंने उनको प्रताड़ित किया, उन सभी पर कार्रवाई। जैसे सर कुछ उसमें काफी सारे लोगों पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, काफी लोगों के उसमें नाम आए हैं कि उनका लगातार उसमें दबाव बनाए हुए थे, जिसमें कुछ लोग नामजद भी हुए हैं, उन सभी पर पूछताछ करने के बाद कार्रवाई हो। ये झंकार होटल में उसकी हमें जो वीडियो फुटेज प्राप्त हुई है वहाँ से उनका जाना अकेला प्रमाणित हुआ है, लेकिन हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स इस प्रकार के आए हैं कि जिसमें
दिखाया गया है कि बल्लू महाराज और ब्रजेश उनसे जाकर वहाँ मिले थे। जब वापस आए हैं उस समय भी एक बार उनकी भेंट हुई है, लेकिन जब बल्लू महाराज से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने बताया कि वो वापसी में उन्होंने उनकी गाड़ी बॉडी देखी, वो पार्किंग में नहीं थी, उसके बाद वहीं से देखकर वो वापस हो गए थे। तो कुछ ऐसे बयान थे जिनमें विरोधाभास था, उनको SIT के द्वारा फिर से पूछताछ की गई और ये जो अभी तक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो आपको बताए गए। पूर्व SP ने जो जिनके लगातार 4-4 घंटे जो लोग उनके पास बैठते रहे, क्या वजह थी आगे जो लगातार बैठते रहे? के पास बैठने के एक मतलब होता है ना सर, SIT के द्वारा सभी पर इन बिंदुओं पर भी रिपोर्ट दी गई है जो शासन को प्रेषित की जाए। नहीं है, ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट झूठी साबित हुई है, ऐसा अभी कोई साक्ष्य नहीं आया कि वो झूठी साबित हुई है। अभी वो सब जांच के दायरे में है, अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई।